रेस 4 पर आ गई झन्नाटेदार अपडेट। अब फिल्म को बनने से कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। जी हां, रेस 3 बनाने वाले प्रोड्यूसर ने फिल्म के अगले पार्ट को लेकर लगाई दहाड़। सलमान की फिल्म रेस 3 के प्रोड्यूसर ने कहा, रेस 4 तो जरूर बनेगी। देखिए, साल 2021 में रेस 4 की सुगबुगाहट उठी थी। उस वक्त बताया गया था कि इसके स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। ऐसे में अब साल 2024 में फिल्म प्रोड्यूसर ने साफ कर दिया है कि रेस 4 बनेगी और जरूर बनेगी। साल 2018 में सलमान खान ने एक फिल्म की थी, नाम था रेस 3। सलमान के करियर की कुछ बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक फिल्म। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने ना तो एक्शन देखने लायक भी था, ना कोई थ्रिल। इतनी बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद भी मेकर्स अब इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म बनाना चाहते हैं। प्रोड्यूसर रमेश तुर्रानी का कहना है कि वो रेस 4 बनाएंगे ही बनाएंगे। देखिए, रमेश तुर्रानी की फिल्म इश्क विश्क रिबाउंड रिलीज के लिए तैयार है। इसी फिल्म के प्रमोशन में रमेश सुपर बिजी हैं। एक इंटरव्यू में रमेश ने सलमान खान की रेस, शाहरुख खान की पठान और बॉबी देओल की फिल्म सोल्जर पर भी बात की है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर रमेश तुर्रानी ने अपडेट दिया है कि रेस 4 और सोल्जर 2 की स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है। इन दोनों का ही सिक्वल जरूर बनेगा। बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि रेस 4 जरूर बनाई जाएगी, साथ ही सोल्जर फ्रेंचाइजी को भी आगे बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है, जिसके स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है। इतना ही नहीं, इश्क विश्क 2 अगर सफल रही तो इश्क विश्क 3 भी बनाने के बारे में सोचा जाएगा। बता दें कि रेस 4 को लेकर सबसे बड़ा सवाल कास्टिंग का है। ये अभी साफ नहीं है कि रेस और रेस 2 में एक्टिंग करने वाले सैफ अली खान अपना रोल फिर से निभाएंगे या रेस 3 में लीड रोल में नजरों आए सलमान खान अगली पार्ट में भी उसी किरदार में दिखाई देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि प्रोड्यूसर के ऐलान के बाद से रेस 4 को लेकर के आने वाले टाइम में और क्या कुछ अपडेट सामने आता है। खैर, आप बताइए, आपको क्या लगता है, रेस 4 बनना चाहिए और इस फिल्म में क्या फिर से सलमान खान की वापसी होनी चाहिए? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।